हेलो स्टूडेंट्स, हम एरेज कर रहे थे और एरेज से रिलेटेड ही मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स बताने जा रहा हूँ और होपफुली कि आप इनको ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, आप इनको लिखोगे, कंपाइल करोगे, एग्जीक्यूट करके देखोगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एंटर सेल्स ऑफ 10 सेल्समैन एंड कैलकुलेट एवरेज सेल। मतलब मुझे 10 सेल्समैन की सेल्स को यूज़र से एक्सेप्ट करवाना है और फिर उनकी मुझे एवरेज सेल कैलकुलेट करवानी है। एवरेज सेल का मतलब होता है कि हर वैसे तो हो सकता है कि किसी सेल्समैन ने ज़्यादा सेल कर रखी हो, किसी सेल्समैन ने कम सेल कर रखी हो, लेकिन एवरेज सेल में सभी सेल्समैन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी बराबर बराबर, उसको हम एवरेज सेल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं ये, तो ये प्रोग्राम कैसे बनेगा वो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने इसमें लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h, इसका मतलब मैंने stdio.h फाइल को इंक्लूड किया है। दूसरा मैंने लिखा है हैश इंक्लूड conio.h, इसमें मैंने कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। उसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास है void main, मेन फंक्शन है प्रोग्राम में सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है ये फंक्शन। तो अब मैंने स्टूडेंट्स के अंदर फ्लोट सेल लिखा है और सेल को मैंने एक एरे बनाया है 10। मतलब यहाँ पे जो सेल है मेरा एक एरे है 10 फ्लोटिंग एलिमेंट्स का, फ्लोटिंग पॉइंट एलिमेंट्स का, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं और 10 के 10 एलिमेंट्स का डाटा टाइप फ्लोट होगा और सभी का नाम भी क्या होगा, सेल होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, सबकी इंडेक्स वैल्यू। तो जो पहली सेल होगी, पहले जो सेल हम एंट्री करेंगे उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 होगी और जो लास्ट में हम सेल एंट्री करेंगे उसकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे 9 होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कॉमा, फिर मैंने लिखा है सम इज इक्वल टू 0, सम जिसमें मैं सम करूँगा हर वैल्यू को, हर सेल को मैं जिसमें सम करता हुआ चला जाऊँगा वो वैल्यू मैंने ली है, लेकिन मैंने इनिशियल वैल्यू इसकी 0 ले लिया है यहाँ पे। और फिर कॉमा एवरेज, एवरेज मैंने लिया है जिसमें मैं एवरेज कैलकुलेट करूँगा सेल्स की एवरेज। स्टूडेंट नीचे मैंने लिया स्टूडेंट्स इंट आई मैंने यहाँ पे लिया है काउंटर, क्योंकि मुझे लूप चलाना पड़ेगा ना, मुझे 10 वैल्यूज एंटर करवानी है तो उसके लिए मुझे लूप चलाना पड़ेगा और लूप के लिए मैंने यहाँ पे आई वेरिएबल दिया है इंट आई। फिर स्टूडेंट्स उसके नीचे मैंने लिखा है clrscr, क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है। उसके नीचे स्टूडेंट्स मेरे पास फोर लूप है, फोर लूप मैंने आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की है क्योंकि मैं जानता हूँ कि एरे की वैल्यू, एरे की इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट इंडेक्स वैल्यू 9 आती है। तो मैंने लिखा फोर आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, फिर आई लेस देन 10 का मतलब ही है कि आई 10 से कम, और 10 से कम का मतलब क्या होता है, 9। 10 से कम तो क्या आएगा, 9 आएगी, 10 से कम इंटीजर वैल्यू कौन सी है, 9 है, तो लेस देन 10 लिखा है तो 9 तक लूप चलेगा, मतलब ये 0 से लेके आपका लूप 9 तक चलना चाहिए। और आई प्लस प्लस का मतलब हर बार इंक्रीमेंट होती रहेगी जब तक आई की वैल्यू 9 नहीं हो जाती, जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर मैंने प्रिंट एफ में लिखा है एंड इसके अंदर लूप के अंदर एंटर सेल ऑफ सेल्समैन, फिर मैंने परसेंटेज लिखा है, उसके बाद कॉमा आई प्लस वन, मतलब आई की वैल्यू जैसे पहली वैल्यू 0 होती है लेकिन ये हमें क्या दिखाएगा, एंटर सेल ऑफ सेल्समैन 1, मतलब आई प्लस वन कर दिया ना, तो आई की वैल्यू 0 थी, 0 में प्लस ऐड कर दिया तो 0 प्लस 1। ये एक्चुअल में ऐड नहीं हुआ, आई काउंटर में ऐड नहीं हुआ, किसी भी वैल्यू में ये चीज़ ऐड नहीं हुई, सिंपली हमें शो करवाने के लिए आई प्लस वन कर रहे हैं, हालांकि आई में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, आई की वैल्यू तो 0 ही है, तो यहाँ 0 प्लस 1 उसने 1 शो कर दिया, अगली बार जैसे ही 1 आएगा तो वो 2 शो करेगा। तो इस तरीके से पहले सेल्समैन की वैल्यू, और इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट में आएगा एंटर सेल्समैन ऑफ सेल्समैन 10, जबकि आई की लास्ट वैल्यू होगी 9 और ये दिखाएगा एंटर सेल ऑफ सेल्समैन 10। तो हमें वही ये डिस्प्ले करना था 1 2 3, हम ऐसे थोड़ी दिखा सकते हैं एंटर सेल्स ऑफ सेल 0 नहीं दिखा सकते ना, सेल्समैन 1 नहीं दिखाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये किया। उसके नीचे स्टूडेंट स्कैनर फंक्शन है, स्कैनर फंक्शन में मैं सेल की वैल्यू एंटर करवा दूंगा। देखो मैंने क्या कैसे लिखा है, स्कैन एफ डबल कोट्स में मैंने लिखा परसेंट एफ फिर कॉमा, फिर मैंने लिखा एम्परसेंट सेल और सेल की स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने लिखा आई, स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया, फिर मैंने उसके बाद पैरेंथेसिस को क्लोज किया सेमी कोलन। तो इसका मतलब जब आई की पहली वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे क्या होगा, सेल और स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या होगा, 0, मतलब उसकी सबस्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, सेल की इंडेक्स वैल्यू 0 होगी और पहले जो सेल की वैल्यू मैं डालूंगा वो इंडेक्स वैल्यू 0 में जाएगी, अगली बार आई की वैल्यू 1 होगी तो वो आएगा सेल 1 के अंदर, मतलब अगली बार जो इंडेक्स वैल्यू है 1 होगी तो 1 में वैल्यू जाएगी, अगली बार इंडेक्स नंबर 2 में तीसरी वैल्यू जाएगी, फिर इंडेक्स नंबर
थ्री में अगली वैल्यू जाएगी, इंडेक्स नंबर फोर में वैल्यू जाएगी, इस तरीके से इंडेक्स नंबर नाइन में मेरी लास्ट वैल्यू जाएगी। फिर स्टूडेंट्स लूप के अंदर ही मैं एक काम और कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं यूज़र से सेल एंटर करवा रहा हूँ उससे मैं सम, मैंने लिखा है सम इज इक्वल टू सम प्लस सेल आई स्किल बैक्स में आई। तो इसका मतलब जो भी मेरे पास पहली, जैसे पहली सेल आई, पहली सेल मैंने जो भी डाली है वो मेरी सम वेरिएबल में ऐड हो जाएगी। सम की इनिशियल वैल्यू जीरो डाल रखी है तो सम इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू का जीरो, सम इज इक्वल टू जीरो प्लस, और जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है वो आ जाएगी सम इज इक्वल टू जीरो प्लस, मान लो पहली वैल्यू 45 है तो सम इज इक्वल टू जीरो प्लस 45 इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। मतलब सम की फिर नई वैल्यू क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। अगली बार जब लूप चलेगा मैं नई वैल्यू डालूंगा, मान लो मैंने डाली नई वैल्यू डाली 50 और लास्ट वैल्यू थी 45, तो 45 सम इज इक्वल टू सम प्लस लिख रखा है ना, तो सम की लास्ट वैल्यू 45 होगी, 45 प्लस जो मैंने नई वैल्यू डाली है 50 वो 95 हो जाएगा। इस तरीके से सम में हमेशा नई वैल्यू जुड़ती रहेगी और सम की एक नई वैल्यू हमें मिलती रहेगी हर बार, उसी जो भी सम की नई वैल्यू आएगी उस वैल्यू में ही हम नई वैल्यू को, नई सेल वैल्यू को ऐड करेंगे हमेशा। तो यह लूप ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट्स मेरे पास जितनी भी मैंने सेल्स की थी जीरो से लेकर नाइन इंडेक्स वैल्यू तक वो सारी सम हो चुकी हैं सम वेरिएबल में। फिर जैसे ही मैंने लूप ख़त्म हुआ, लूप तो ख़त्म हो जाएगा जब मेरे पास 10 के 10 से ये वैल्यूज आ जाएंगी जीरो से लेकर नाइन तक। फिर स्टूडेंट्स मैंने लिखा है सम एवरेज ए वी जी फंक्शन इज इक्वल टू सम ओब्लिक 10, तो जितनी भी मेरे पास सारी वैल्यूज थी उनका टोटल मेरे पास सम वेरिएबल में था उसको मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेरे पास टोटल 10 वैल्यूज होंगी, 10 सेल्समैन की वैल्यूज होंगी, 10 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने उसको डिस्प्ले करवा दिया प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करके, बैक स्लैश एन एवरेज सेल इज़, यहाँ मैंने लिखा परसेंट 0.2f, डबल कोट्स बंद कर दिया और कॉमा एवरेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज सेल इज़ जो भी मेरे पास सेल की वैल्यू आएगी वो 2 डेसिमल प्लेस तक आएगी, तो आएगा एवरेज सेल इज़ जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने लिखा है गेट सी एच, गेट सी एच यूज़र के लिए वेट करने के लिए है कि यूज़र कोई की प्रेस करे, कोई ना कोई इनपुट एंटर करवाने के लिए हमने नीचे गेट सी एच फंक्शन का यूज़ किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसा लगा ये प्रोग्राम, आपने इस प्रोग्राम को करके देखना है। नेक्स्ट चलें स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने यूज़र से फॉर लूप के थ्रू एरे में वैल्यूज एंटर करवाई हैं, इस टाइप की इनिशियलाइजेशन को बोलते हैं हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। जब हम रन टाइम में यूज़र से वैल्यूज एंटर करवाते हैं एरे के लिए तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, जबकि मैं आपको यहाँ पे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के कुछ एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, और वो भी स्ट्रिंग के केस में जब हम स्ट्रिंग लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला एग्जांपल तो आपने बहुत बार देखा होगा, हम इस तरीके से ले सकते हैं, मैंने लिया कैर, मेरे एरे का नाम है नेम, 15 मैंने इसका साइज ले रखा है और इक्वल डबल कोट्स में मैंने लिख दिया राजेश सेमी कॉलन, तो इसका मतलब नेम जो एरे है उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी राजेश। दूसरा स्टूडेंट्स अगर मैं ऐसे ना लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तीनों तरीके हैं, मतलब मैंने तीनों अलग अलग तरीके बताए हैं, तीनों अलग अलग तरीके से हम करेक्टर एरे को डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो नीचे लिखा स्टूडेंट्स मैंने कैर नेम साइज मैंने दिया 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया, कर्ली ब्रेसेस में डबल कोट्स में मैंने राजेश लिखा और कर्ली ब्रेसेस को मैंने क्लोज किया सेमी कोलन लगाया। तो ऊपर वाला तरीके से भी आप कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। तीसरा तरीका स्टूडेंट्स मैंने लिखा कैर नेम साइज मैंने 15 लिया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में मैंने सिंगल कोट्स में, क्योंकि स्ट्रिंग तो आपकी डबल कोट्स में लिखी जाती है लेकिन जो करेक्टर्स होते हैं वो तो सिंगल कोट में लिखे जाते हैं ना, तो यहाँ मैंने कर्ली ब्रेस को स्टार्ट किया और सारे करेक्टर्स को मैंने सिंगल कोट में लिख दिया, आर को सिंगल कोट में, फिर कोमा ए, फिर कोमा ए जे, सभी सिंगल कोट्स में है, कोमा ई, कोमा एस, कोमा एच, और लास्ट में मैंने बैकस्लैश जीरो भी लिया है स्टूडेंट्स, ये लेना बहुत ज़रूरी है। देखो स्टूडेंट्स ऊपर राजेश और नीचे जो मैंने उसके बाद कर्ली ब्रेस राजेश लिखा था उसमें हमें बैकस्लैश जीरो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बैकस्लैश जीरो का मतलब होता है स्टूडेंट नल करेक्टर, मैंने पहले भी बताया आपको बैकस्लैश जीरो का मतलब होता है नल करेक्टर। तो ऊपर के दोनों एग्जांपल्स में मुझे नल करेक्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अंडरस्टूड है कि उसमें नल करेक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे इस केस में क्योंकि मैं सभी करेक्टर्स को अलग अलग डिक्लेयर कर रहा हूँ इसके अंदर तो मैंने लास्ट करेक्टर भी लिया है इसमें नल करेक्टर। तो ये पूरा एक करेक्टर एरे को डिफाइन करता है, एक स्ट्रिंग को डिफाइन करता है। स्टूडेंट्स कोई आपसे पूछे क्या करेक्टर एरे को हम स्ट्रिंग कह सकते हैं, यस करेक्टर एरे का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ करेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, सेट ऑफ करेक्टर्स मतलब सेम टाइप तो वही है, सारे करेक्टर्स हैं सारे ही करेक्टर्स, तो सेट ऑफ करेक्टर्स हम एरे को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ करेक्टर्स, और स्ट्रिंग को भी हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ करेक्टर्स।
तो एक करेक्टर एरे को हम एक स्ट्रिंग बोल सकते हैं। आगे चलें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में मैं आपको स्ट्रिंग की लेंथ बताने जा रहा हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि स्ट्रिंग लेंथ तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं strlen फंक्शन से। हमने एक फंक्शन किया था पीछे, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन किए थे, उसमें हमने किया था strlen और उसमें हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया था जिसका नाम था स्ट्रिंग डॉट एच। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो तो हमने स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के थ्रू किया था, उसके बिना भी क्या हम कर सकते हैं? तो स्ट्रिंग डॉट एच फाइल को इंक्लूड किए बिना भी हम ऐसा कर सकते हैं यूजिंग लूप्स। हम लूप चला सकते हैं। आपके पास चाहे कोई भी स्ट्रिंग आए, एक चीज़ सोच लीजिए, आपके पास कोई भी स्ट्रिंग आती है, स्ट्रिंग का मतलब एरे ही है, और एरे की इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। तो हमें भी जीरो से स्टार्ट करना है, और लास्ट वैल्यू उसमें स्ट्रिंग में क्या होती है? नल करेक्टर होता है। तो हमें जीरो से स्टार्ट करते हुए नल करेक्टर तक जाना है, तो हमें लेंथ मिल जाएगी बस, सिंपल। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो कैसे हमने लेंथ निकाली स्टूडेंट्स? पहले मैंने हेडर फाइल इंक्लूड किया, इसके अंदर हैश इंक्लूड stdio.h। फिर दूसरी हेडर फाइल मैंने इंक्लूड किया conio.h, मैंने लिखा हैश इंक्लूड conio.h। फिर मेरे पास मेन फंक्शन आ जाता है स्टूडेंट्स, मैंने लिखा void main। उसके बाद ओपन करली ब्रेस से मैंने मेन फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट किया है। फिर मैंने लिखा स्टूडेंट्स char, स्ट्रिंग के लिए मैंने str वेरिएबल यूज़ किया है और उसका साइज मैंने लिया 30, ठीक है। उसके नीचे स्टूडेंट्स मैंने i वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, मैंने लिखा int i। उसके नीचे क्लियर स्क्रीन फंक्शन है clrscr, स्क्रीन को क्लियर कर देगा सबसे पहले, कुछ भी आउटपुट दिखाने से पहले ये स्क्रीन को क्लियर कर देगा। फिर स्टूडेंट्स प्रिंट एफ के थ्रू मैंने मैसेज प्रिंट करवाया स्क्रीन पे, बैक स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए होता है स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया आपको। फिर इसमें आपको मैसेज स्क्रीन पे क्या आएगा, एंटर ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आ जाएगा आपका, एंटर स्ट्रिंग, एंटर ए स्ट्रिंग आपका एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्योंकि स्ट्रिंग्स में आपके स्पेसेस भी हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे स्कैनर फंक्शन यूज़ करता हूँ तो मैं स्पेस नहीं ले सकता, मैं स्पेस वहाँ पे नहीं ले सकता। मैं या तो जैसे मुकेश लिखा है तो मुकेश गुप्ता नहीं लूँगा, राजेश लिखा तो राजेश शर्मा नहीं लिखूँगा, या तो राजेश लिखूँगा मुकेश लिखूँगा अगर मैं स्कैनर फंक्शन यूज़ करता हूँ, क्योंकि स्कैनर फंक्शन आपके स्पेसिस को अलाउड नहीं करता, जबकि गेट्स फंक्शन आपके स्पेसिस को भी अलाउड करता है। तो मैं गेट्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो मैंने लिखा है गेट्स और मैंने पैरेंथेसिस में दे दिया str, तो str मैंने आर्गुमेंट दे दिया इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर पास कर दिया आर्गुमेंट। आपने पढ़ा होगा ना एक्चुअल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे गेट्स फंक्शन जब डिफाइन किया होगा उस टाइम पे तो जो आर्गुमेंट पास किया गया होगा वो फॉर्मल आर्गुमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे हम मेन फंक्शन में जब इसको कॉल कर रहे हैं, हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का आर्गुमेंट होगा? एक्चुअल आर्गुमेंट। तो ये क्या करेगा, आपसे एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाएगा और उस वैल्यू को str वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे। अब मुझे str वेरिएबल की लेंथ निकालनी है, तो मैंने लूप चलाया यहाँ पे फॉर i इज इक्वल टू जीरो, मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, फिर सेमी कॉलन, फिर मैंने लिखा str स्क्वायर ब्रैकेट्स में i लिखा है, तो इसका मतलब पहली बार str i की वैल्यू पहली बार क्या होगी? जीरो होगी। ये लूप चेक करेगा क्या str स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो मतलब स्ट्रिंग की जो इंडेक्स वैल्यू है जीरो इंडेक्स वैल्यू है, क्या वहाँ पे नल करेक्टर है? नहीं, नल करेक्टर तो लास्ट में आएगा ना, पहला करेक्टर ही नल करेक्टर थोड़ी होगा, ठीक है। तो पहले करेक्टर को उसने चेक किया, क्या वो नल करेक्टर है? नहीं है, तो लूप आगे चलेगा। स्टूडेंट्स मैंने लास्ट में सेमी कोलन भी लगा रखा है इस फोर लूप के आगे, बिल्कुल लास्ट में देखो सेमी कोलन लगा रखा है। इसका मतलब ये एक एम्प्टी लूप है, एम्प्टी लूप का मतलब ये किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये लूप अपने आप में अकेला चलेगा। तो आई की वैल्यू जीरो हो चुकी है लेकिन वहाँ पे कोई नल करेक्टर नहीं है, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू वन होगी, फिर नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू को चेक किया जाएगा क्या उसमें नल करेक्टर है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक नल करेक्टर नहीं आ जाता। जैसे मान लो मैंने राजेश एंटर करवाया, राजेश में आर जो है उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी जीरो, ए की इंडेक्स वैल्यू होगी वन, जे की इंडेक्स वैल्यू होगी टू, ई की इंडेक्स वैल्यू होगी थ्री, एस की इंडेक्स वैल्यू होगी फोर, एच की इंडेक्स वैल्यू होगी फाइव और आपके नल करेक्टर की इंडेक्स वैल्यू होगी सिक्स। तो स्टूडेंट्स मैंने नॉट इज इक्वल टू जीरो लिखा कि जब तक नल करेक्टर नहीं आ जाता, इसका मतलब ये लूप आपका लास्ट में कहाँ तक चलना चाहिए? जब तक नल करेक्टर नहीं आ जाता। तो नल करेक्टर की इंडेक्स वैल्यू क्या आती है यहाँ पे? सिक्स आती है। तो इसका मतलब आई की लास्ट वैल्यू हमें क्या मिलेगी? सिक्स मिलेगी। तो हमें सिक्स तो प्रिंट करवाना है स्टूडेंट्स, क्योंकि राजेश के अंदर कितने करेक्टर होते हैं? सिक्स होते हैं, और सिक्स ही मुझे आई की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे। तो इसका मतलब मुझे लेंथ मिल गई, मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे।
तो मैंने दिखाया प्रिंट एफ बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, मैंने लिखा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज परसेंट डी डबल कोट में और कोमा आई लिख दिया। तो आई की वैल्यू मुझे 6 ही दिखानी थी और मैंने यहाँ पे 6 ही वैल्यू शो करवा दी। लास्ट में गेट सी एच स्टूडेंट्स यूज़र के लिए वेट करने के लिए कि वो कोई की प्रेस करे, गेट सी एच फंक्शन वेट फॉर द यूज़र टू प्रेस एनी की। और लास्ट में स्टूडेंट्स मैंने क्लोज कर्ली ब्रेस लगाया, इस कर्ली ब्रेस क्लोज कर्ली ब्रेस मीन्स इस मेन फंक्शन की बॉडी को डेफिनेशन को क्लोज करने के लिए। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट चले स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रिवर्स द स्ट्रिंग। स्टूडेंट्स अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं तो स्ट्रिंग के करेक्टर्स को रिवर्स भी कर सकते हैं, उल्टा भी तो कर सकते हैं अगर हम लेंथ निकाल सकते हैं तो। यस बिल्कुल आसान है ये। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दो एरे लिए हैं, एक तो एसटीआर और एक सीटीआर। एसटीआर में तो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग आ जाएगी और सीटीआर में उसकी रिवर्स स्ट्रिंग जो भी बनाऊंगा वो आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, काउंटर वेरिएबल्स लिए हैं आई जे और के। सी एल आर एस सी आर स्क्रीन स्टूडेंट स्क्रीन क्लियर करने के लिए है। प्रिंट एफ से मैं स्क्रीन पे मैसेज शो करूँगा बैक स्लैश एन एंटर स्ट्रिंग, स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर स्ट्रिंग, यूज़र कोई ना कोई स्ट्रिंग डालेगा। एस टी आर नीचे मैंने गेट्स एस टी आर लिखा है, वो स्ट्रिंग मेरी एस टी आर वेरिएबल में जाएगी, एस टी आर के एरे में जाएगी, एस टी आर एरे है ना यहाँ पे। अब लूप सिंपल स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले लूप चलाया था लेंथ के लिए वैसे ही लूप चलाया है यहाँ पे। तो इस लूप से मेरे पास आई में लास्ट वैल्यू निकल आएगी। जैसे मान लो मुझे मान लो राजेश ही है और राजेश की लेंथ निकालनी है, तो आई की लास्ट वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 6 मिल जाएगी। फिर नीचे स्टूडेंट मैंने आई माइनस माइनस किया है, इसका मतलब मुझे आई की वैल्यू में एक सब्ट्रैक्शन करना है, तो आई की वैल्यू मुझे दोबारा क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। आई की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी, आई माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है 5 होगी सिंपल। अभी तक तो हम लेंथ की बात कह रहे थे, आई की वैल्यू की बात कह रहे थे, तो आई की वैल्यू मुझे 5 मिल चुकी है। फिर स्टूडेंट्स मैंने एक दूसरा लूप चलाया जिसमें मैंने लिखा 4 जे इज इक्वल टू आई कोमा के इज इक्वल टू 0। ऐसा हम कर सकते हैं फोर लूप के अंदर, हम ऐसा कर सकते हैं, हम कोमा ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोमा ऑपरेटर है, कोमा ऑपरेटर में क्या है कि हम दो अलग अलग काउंटर वेरिएबल चला सकते हैं, दो अलग अलग काउंटर से इसके अंदर चला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जे की वैल्यू को तो आई से स्टार्ट किया है, मतलब आई की वैल्यू से स्टार्ट किया, आई की वैल्यू जो भी आई यहाँ पे, आई की वैल्यू इस टाइम पे जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ राजेश वाला, उसमें मेरे पास आई की वैल्यू आ चुकी 5। हो सकता है कि राजेश की जगह किसी ने शाहरुख डाल रखा हो, सलमान डाल रखा हो, तो आई की वैल्यू चेंज हो सकती है ना हर बारी, कुछ भी हो सकता है। तो आई की जो भी वैल्यू होगी वो हम लेके चलेंगे, वो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, तो मैंने राजेश ले रखा है और राजेश में मुझे यहाँ तक आई की वैल्यू 5 मिल चुकी है। तो मैंने लिखा 4J=I, K=0, मतलब दो काउंटर वेरिएबल्स मैं अलग अलग चला रहा हूँ। एक काउंटर जिसकी वैल्यू को मैंने आई से इनिशियलाइज किया, आई की वैल्यू थी 5, जैसे मैं राजेश का केस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मतलब J=5 हो जाएगा एक तरीके से, K=0, मतलब दो अलग अलग काउंटर्स हैं, एक के है जिसकी वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और एक जे है जिसकी वैल्यू मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ इस केस में, राजेश वाले केस में। उसके बाद मैंने लिखा स्टूडेंट सेमी कॉलन, उसके बाद मैंने लिखा है J>= 0, मतलब जे की वैल्यू मैंने जब तक 0 या 0 से ऊपर रहती है तब तक ये लूप चलाना है। मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे जे में तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और के में मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जे में तो मुझे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा और के में मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लूप वैल्यू या यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है कि J>= 0, मतलब जे की वैल्यू जब तक 0 या 0 से ऊपर रहती है तब तक ये लूप चलेगा। तो इसमें स्टूडेंट्स से मैंने क्या किया, सेमी कोलन के बाद मैंने लिखा J -K++, मतलब जे की वैल्यू में सब्ट्रैक्शन होगा हर बारी और डिक्रीमेंट होगा और के की वैल्यू में हर बार इंक्रीमेंट होगा। तो अब इस लूप बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा है, सी टी आर स्केयर ब्रैकेट्स में के इजिकल टू एस टी आर स्केयर ब्रैकेट्स में जे। देखो उल्टा हो रहा है ना, मतलब एक लूप में तो वैल्यू बढ़ रही है मतलब, और एक लूप में वैल्यू कम हो रही है। तो मतलब क्या कर रहे हैं हम, अब जैसे मैंने 5 से स्टार्ट किया है, मैंने जे की वैल्यू को 5 से स्टार्ट किया है, तो 5 में मेरे पास क्या था, एच आता है, 6 में तो नल करेक्टर आ रहा था, उसमें 5 में क्या आ रहा था, एच आ रहा था। तो इसका मतलब एच की वैल्यू को मैंने एस टी आर के में स्टोर कर दिया और के की इनिशियल वैल्यू कहते हैं 0। तो सी टी आर की जो इंडेक्स वैल्यू 0 है उसमें मैंने एच स्टोर कर दिया, ये लूप बार बार चलेगा, एक बार उसमें एच स्टोर हुआ,
तो अगली बार CTR में नई वैल्यू क्या आएगी, S आएगी, फिर उसमें E आएगा, फिर G आएगा, फिर A आएगा, लास्ट में R आएगा। तो ऑटोमेटिकली आप देखो कि CTR के अंदर मेरे पास रिवर्स वेस्टिंग आ चुकी है। लेकिन एक कमी और रह गई अभी हमारे पास, ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। हमारे पास CTR के पास मेरे पास राजेश वैल्यू आ चुकी है, लेकिन स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं है। स्ट्रिंग कंप्लीट कब होगी, जब उसमें लास्ट करेक्टर नल करेक्टर होगा। तो लूप ख़त्म होने के बाद मैंने लिखा है CTR के इज इक्वल टू नल करेक्टर। नल करेक्टर को सिंगल कोट में लिखेंगे क्योंकि करेक्टर है और करेक्टर को सिंगल कोट में लिखा जाता है। सेमी को लगा दिया, यहाँ पे K की लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी वैसे स्टूडेंट्स, अगर हम लूप चलाते रहें तो K की लास्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए। फिर हमने K की वैल्यू 0 से स्टार्ट की थी, और K की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट की थी। लूप कब तक चला था, जब तक वो वैल्यू 0 नहीं हो जाती, मतलब 5 से लेके 0 तक। और J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चली थी, 5 से 0 तक। तो इसका मतलब K की वैल्यू लूप तक तो 5 थी, लेकिन लास्ट वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 6 मिलेगी, क्योंकि एक बार तो इंक्रीमेंट होगा ही होगा और उसमें कंडीशन चेक करेगा तो फास्ट वो बाहर आ जाएगा लूप से। लेकिन जब वो लूप से बाहर आया तो K प्लस प्लस कर रखा था हमने, तो एक इंक्रीमेंट तो रहा ही होगा। तो K की इसमें लास्ट वैल्यू हमें 6 मिली, और 6 जो K की जो लास्ट वैल्यू थी उसमें मैंने नल करेक्टर को ऐड कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने CTR को प्रिंट करवा दिया पुट्स का यूज़ करके, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर मैं प्रिंट एफ यूज़ करता और ऊपर स्कैन एफ यूज़ करता तो हो सकता है कि मुझे स्पेसेस वहाँ पे नहीं मिलते, इसलिए मैंने पुट्स फंक्शन और गेट्स फंक्शन का यूज़ किया यहाँ पे, अगर स्पेसेस भी ही आपकी स्ट्रिंग में है तो। उसके बाद स्टूडेंट्स गेट सी एच आपके लिए वेट कर रहा है कि आप कोई करेक्टर इनपुट डालो, तब उसके लिए वहाँ पर रुका रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने स्ट्रिंग का रिवर्स कर दिया। आपने इस प्रोग्राम को भी कंपाइल करना है, एग्जीक्यूट करना है और लिख के देखना है ज़रूर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन है, एंटर वीकडे नंबर एंड डिस्प्ले इट्स नेम। मुझे यूज़र से वीकडे नंबर एंटर करवाना है और फिर उसका नाम डिस्प्ले करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी तक जो भी हमने एग्जांपल किए वो सारे मेरे वन डायमेंशनल एरे के एग्जांपल थे। देखो तीनों ही एग्जांपल जो मैंने पीछे लास्ट किए हैं वो सारे वन डायमेंशनल के एग्जांपल थे, लेकिन अब जो मैं एग्जांपल करने जा रहा हूँ वो एक टू डायमेंशनल एरे का एग्जांपल है। तो वो एग्जांपल भी आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने हैश इंक्लूड stdio.h के साथ मेरी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। फिर उसके बाद मैंने लिखा हैश इंक्लूड conio.h, इसका मतलब मैंने कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। उसके नीचे स्टूडेंट्स void में लिखा है मेरा मेन फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप void है। फिर ओपन करली ब्रेस के साथ स्टूडेंट्स मैंने मेन फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करना स्टार्ट किया है। फिर उसके अंदर स्टूडेंट मैंने लिखा है कैर वीकडे मेरे एरे का नाम है, जिसमें क्योंकि टू डायमेंशनल एरे है तो मुझे रोज़ और कॉलम्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो मैंने इसमें रोज़ की वैल्यू डाली है 7 और कॉलम्स की वैल्यू डाली है 20। तो इसका मतलब इसमें 7 रोज़ आ सकते हैं और 20 कॉलम्स आ सकते हैं। स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स बन जाएगा, एक आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी या टेबल पढ़ी होगी, आप टेबल देखते हो MS Word में, आप टेबल बनाते हो, टेबल में रोज़ और कॉलम्स होते हैं ना, तो इसके अंदर 7 रोज़ हो जाएंगे और 20 कॉलम्स बन जाएंगे। एक चीज़ और नोट करना स्टूडेंट्स, इसमें इंडेक्स वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होगी, मतलब अगर हम रोज़ को देखें तो 7 रोज़ हैं, लेकिन फर्स्ट रो की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और लास्ट रो की इंडेक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम कॉलम्स को देखें तो फर्स्ट कॉलम की इंडेक्स वैल्यू 0 होगी और लास्ट कॉलम की इंडेक्स वैल्यू मेरी 19 होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे 19 ना ले तो बढ़िया है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स मेरे स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, लेकिन हम थोड़ा एरे में साइज लेके ही चलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने इंट i लिखा है, आई एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने प्रिंट एफ से एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया है \n न्यू लाइन के लिए, उसमें मैंने लिखा है एंटर वीकडे नंबर, मतलब यूज़र से हम एक वीकडे नंबर एंटर करवाएंगे, यूज़र चाहे कोई भी वीकडे नंबर डाले। तो फिर स्कैनर फंक्शन से स्टूडेंट्स मैंने %d लिखा है डबल कोट्स में और कॉमा लिखा है %i, मतलब जो भी यूज़र वीकडे नंबर डालेगा वो वैल्यू मेरी आई वेरिएबल में चली जाएगी। और उसके नीचे स्टूडेंट्स मैं चेक करवा रहा हूँ कंडीशन, इफ i ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड i लेस देन और इक्वल टू 7, मतलब i की वैल्यू अगर 1 से 1 और 7 के बीच में आ जाती है, इसमें लिखा है ना इफ i ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब i की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा, फिर मैंने बीच में लॉजिकल एंड लगा दिया i लेस देन और इक्वल टू 7, मतलब दोनों कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए।
आई की वैल्यू 1 या 1 से ऊपर भी होनी चाहिए और 7 या 7 से नीचे भी होनी चाहिए। तो 1 से 7 तक अगर आपकी वैल्यू आती है तो हम प्रिंट करवा देंगे। तो मैंने लिखा प्रिंट एफ \n, वीकडे नेम इज %s, स्टूडेंट स्ट्रिंग के लिए हम %s यूज़ करते हैं कंट्रोल स्पेसिफायर। तो उसके बाद स्टूडेंट मैंने कॉमा लिखा है वीकडे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स i-1, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडेक्स वैल्यू है वो एरेज की इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो स्टूडेंट को तो नहीं पता ना, स्टूडेंट तो 1 डालेगा मंडे, जैसे उसे हम संडे डालना है, संडे के लिए वो क्या डालेगा, 1 डालेगा। लेकिन हमें पता है कि संडे कहाँ पे स्टोर है, संडे कहाँ पे स्टोर होगा, रो नंबर 0 पे स्टोर होगा। इसी तरीके से मंडे रो नंबर 1 पे स्टोर होगा, ट्यूजडे रो नंबर 2 पे स्टोर होगा, वेनसडे रो नंबर 3 पे स्टोर होगा और थर्सडे रो नंबर 4 पे स्टोर होगा, फ्राइडे रो नंबर 5 पे स्टोर होगा, सैटरडे रो नंबर 6 पे स्टोर होगा। लेकिन यूज़र तो संडे के लिए 1 डालेगा, मंडे के लिए 2, ट्यूजडे के लिए 3 डालेगा, वेनसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 और सैटरडे के लिए 7 डालेगा। तो हमें क्या करना है, ऑटोमेटिकली एक वैल्यू का डिक्रीमेंट कर देना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा वीकडे, स्क्वायर ब्रैकेट में i-1 कर दिया ताकि प्रॉपरली ही यूज़र को हम दिखा सकें। एल्स अगर स्टूडेंट्स 1 और 7 के अलावा, 1 से लेकर 7 के अलावा कोई वैल्यू डालते हैं, मान लो यूज़र डालता है 0, 8 डालता है, 9 डालता है या 10 डालता है, तो उससे स्क्रीन पे क्या मैसेज आएगा, रॉन्ग डे नंबर। ठीक है, लास्ट में स्टूडेंट्स गेट सी एच लगाया मैंने यूज़र के लिए वेट करने के लिए कि वो कोई की प्रेस करे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने 2 डायमेंशनल एरे का भी आपको यूज़ दिखाया। एक और यूज़ देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी जो पिछला वाला एग्जांपल था ये भी एक स्टैटिक इनिशियलाइजेशन का एग्जांपल था और ये भी एक स्टैटिक इनिशियलाइजेशन का एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, गिवन सेल्स ऑफ 2 सेल्समैन इन 5 डेज पर वीक, मतलब हफ्ते के 5 दिन वर्किंग के हैं और उन 5 वर्किंग डेज में 2 सेल्समैन की अलग अलग सेल्स को डिस्प्ले किया गया है। कैलकुलेट सम ऑफ ऑल द सेल्स इन 3rd डे ऑफ द वीक, तो वीक डे का जो जो अभी आपका वीक है उसका जो थर्ड डे है, थर्ड डे में जितनी भी सेल हुई है वो सेल का टोटल मुझे दिखाना है। मतलब मान लो जो मेरे पास 2 सेल्समैन है, फर्स्ट सेल मैंने 45 सेल की है, सेकंड सेल्समैन ने 50 सेल्स की है थर्ड वीक, थर्ड डे में वीक की, तो हमारे पास आंसर क्या जाना चाहिए, 95 आना जाना चाहिए वहाँ पे, 45 + 50, तो उसको हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो स्टूडेंट मैंने नीचे एक सम वेरिएबल ले रखा है, इंटीजर टाइप का ही ले रखा है मैंने, ये इंट सम CLRSCR स्क्रीन क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स क्लियर स्क्रीन फंक्शन है ये। फिर मैंने लिखा है सम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा सेल्स 0 to, मतलब 0 रो, पहला जो रो होता है हमारा 0 रो होता है और फिर मैंने लिखा 2। तो अगर स्टूडेंट्स ऊपर एक बार सब स्टैटिक इनिशियलाइजेशन देखो मैंने क्या किया है, मैंने लिखा इंट सेल्स 2 5, मतलब 2 रो 5 कॉलम्स, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस में मैंने स्टूडेंट्स अलग अलग डिफाइन कर दिया, मैंने एक कर्ली ब्रेसेस में 5 वैल्यूज ले ली, फिर कॉमा लगा के दूसरी कर्ली ब्रेसेस में भी 5 वैल्यूज ले ली और लास्ट में आउटर जो मेरी कर्ली ब्रेसेस थी उनको मैंने क्लोज कर दिया, सेमी कॉलन लगा दिया। तो इसमें हमें समझने में आसानी होगी कि पहली जो वैल्यूज हैं वो फर्स्ट रो के लिए हैं, दूसरी जो वैल्यूज हैं वो सेकेंड रो के लिए। एक स्टूडेंट मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, अगर मान लो सिर्फ आउटर कर्ली ब्रेसेस ही दी होती, आउटर कर्ली ब्रेसेस ही दी होती, बीच वाली कर्ली ब्रेसेस आपको नहीं दी होती, मतलब सिंपली कर्ली ब्रेस को स्टार्ट किया होता और लिखा होता 45, 21, 51, 69, 23, 43, 43, 23, 67, 87, 41, बिना कोई इनर कर्ली ब्रेसेस लगाए सिर्फ आउटर कर्ली ब्रेसेस ही होती। उस केस में स्टूडेंट्स हम अपने आप ही ये मान लेते, मतलब मान के लेते ये होता ही है कि पहली जो वैल्यूज हैं वो फर्स्ट रो के लिए ही होंगी और इसी तरीके से बाद वाली वैल्यूज आपकी सेकंड रो के लिए होंगी, फिर उसके बाद वाली वैल्यू थर्ड रो के लिए होंगी, जो अंडरस्टूड है हम ये इसको समझ लेंगे, ऐसा ही मान लेंगे हम इसको। तो स्टूडेंट्स खैर वो मैंने आपको बताया कि अगर मैंने तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाई हैं, इनर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया है, अगर नहीं भी किया हो तो ये अंडरस्टूड है। तो मैंने लिखा सम इज इक्वल टू सेल्स 0 to + sales 1 to, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले मैंने पहले सेल्स 0 लिखा है तो मतलब वो फर्स्ट सेल्समैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर प्लस सेल्स मैंने 1 लिखा है तो वो दूसरे सेल्समैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मेरे 2 ही सेल्समैन है तो पहले सेल्समैन की इंडेक्स वैल्यू 0 है, दूसरे सेल्समैन की वैल्यू इंडेक्स वैल्यू 1 है, तो दोनों को मैंने ले लिया। अब इसमें मैंने थर्ड डे लेना है वीक का, तो थर्ड के लिए स्टूडेंट्स मुझे पता है कि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2,
तो यहाँ पे मैंने टू ले लिया, यहाँ भी टू लिया और सेज अगले वाले में भी टू लिया है, क्योंकि दोनों के ही थर्ड डे की वैल्यू चाहिए ना, तो दोनों की ही, दोनों में ही टू लिया मैंने। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास सम में इनकी सेज वैल्यू आ जाएगी टोटल, और उसको मैंने डिस्प्ले करवा दिया नीचे, सम इज परसेंटी और सम की वैल्यू को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। तो स्टूडेंट्स करके देखना है आपने इसको भी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको आउटपुट बतानी है इस प्रोग्राम की, और आपको स्टूडेंट्स आपको ये बता देता हूँ कि इस प्रोग्राम में कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा कभी भी, इस प्रोग्राम में कभी भी कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, ये आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है, ये आप ध्यान रखें। लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, ये देखने के लिए आप इस प्रोग्राम को समझें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरी एक हेडर फाइल है stdio.h, मैंने इसको इंक्लूड किया, फिर मैंने दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड किया जिसका नाम है conio.h, फिर मेरे पास मेन फंक्शन है स्टूडेंट्स, मैंने लिखा void main, तो फिर मैंने इसकी बॉडी स्टार्ट की ओपन कर ली ब्रेस के साथ, यहाँ पे मैंने लिखा int marks और एरे का साइज मैंने लिखा 5, फिर कर्ली ब्रेसेस में मैंने 4 वैल्यूज डाली हैं ओनली स्टूडेंट्स, जबकि मेरा एरे का साइज है 5, मुझे इसमें 5 वैल्यू डालनी चाहिए थी लेकिन मैंने वैल्यूज डाली हैं 4, और फिर उसके बाद मैंने लिखा कोमा आई, ठीक है, clrscf स्क्रीन क्लियर करने के लिए। फिर मैंने लूप चलाया 0 से लेके 4 तक, अब 45 जो है इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 34 की इंडेक्स वैल्यू 1, 67 की इंडेक्स वैल्यू 2, 29 की इंडेक्स वैल्यू 4 होगी, 3 होगी, 45 की इंडेक्स वैल्यू 0, 34 की इंडेक्स वैल्यू 1, 67 की इंडेक्स वैल्यू 2 और 29 की इंडेक्स वैल्यू 3, जबकि इंडेक्स नंबर 4 भी आना चाहिए था क्योंकि मेरे जो एरे है वो तो 5 है, इसका साइज तो 5 है, लेकिन मैंने सिर्फ 4 वैल्यूज़ को ही यहाँ पे स्टैटिक इनिशियलाइज किया है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अब आगे, मैंने क्लियर स्क्रीन किया स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने लिखा 4i = 0, मैंने 0 से इनिशियलाइज की वैल्यू, फिर सेमी कॉलन, मैंने लिखा j < 5 सेमी कॉलन, फिर j++, तो इसका मतलब मेरे जो लूप चलेगा वो 0 से लेकर 4 तक चलेगा। फिर मैंने उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी करवाया, तो जैसे ही मार्क्स 0 की वैल्यू आती है वो 45 शो करेगा, अगली बार लूप चलेगा तो मार्क्स 1 की वैल्यू आएगी वो 34 शो करेगा, अगली बार मार्क्स 2 की वैल्यू आती है तो 67 शो करेगा, अगली बार मार्क्स 3 की वैल्यू आती है 29 शो करेगा, लेकिन अगली बार आई की वैल्यू 4 भी आनी चाहिए तो मार्क्स 4 की वैल्यू शो करेगा जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये 0 शो कर देगा स्टूडेंट्स, ये 0 शो कर देगा। आपसे ये पूछा जा सकता है प्रोग्राम, और ये पूछा भी गया है किसी न किसी पेपर में, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा बल्कि आपको 0 शो करेगा स्टूडेंट। ऐसा ही केस स्ट्रिंग्स के केस में भी हो सकता है स्टूडेंट्स, आपको पता है हम स्ट्रिंग्स के केस में लास्ट में नल कैरेक्टर क्यों लगाते हैं, नल कैरेक्टर का मतलब यही होता है कि मेरी स्ट्रिंग वहाँ पे टर्मिनेट हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं नल कैरेक्टर नहीं लगाता और एरे को बढ़ाता चला जाता हूँ तो वहाँ पे 0 तो डिस्प्ले नहीं करेगा लेकिन स्पेसेस डिस्प्ले करेगा, ब्लैंक स्पेसेस। तो करेक्टर एरे के केस में 0 डिस्प्ले ना करके ब्लैंक स्पेसेस को डिस्प्ले करता है, जबकि आपके न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं चाहे इंटीजर हों या फ्लोट्स वगैरह हों तो इनके केस में आपको 0 शो करता है अगर आप एरे से ज़्यादा वैल्यूज ले रहे हो तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स, हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को करने का फ़ायदा तभी है जब हमें पॉइंटर्स के बारे में भी पता हो, क्योंकि पॉइंटर्स और एरे काफ़ी हद तक आपस में इंटर रिलेटेड हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर हम पॉइंटर्स भी साथ में करते हैं, तो फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स को समझेंगे जो पॉइंटर्स और एरे से रिलेटेड हों। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं, थैंक यू वेरी मच, वीडियोस को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, अगर आप मेरे वीडियोस को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे एक एप्रिसिएशन मिलेगी, और वो एप्रिसिएशन मिलेगी तो मैं आपके लिए और भी बढ़िया वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।